Hello viewers and welcome again to my channel Deepshikha's Music. After a long long time I'm making this video. I was out for a vacation और अभी मैं वापस आ गई हूँ एक और बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे एक बेसिक राग पे, जो कि बिगनर्स के लिए और इनफैक्ट थोड़े एडवांस लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही नॉलेजेबल सेशन है ये. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे राग वृंदावनी सारंग के बारे में. लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वृंदावनी सारंग को सारंग के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही एक सुमधुर राग है, बहुत ही कर्णप्रिय राग है, जिसे कि मध्यम गंभीर प्रकृति इसमें रखा जाता है. वृंदावनी सारंग जो है सर्वसम्मति से काफ़ी थाट जन्य राग है और इसमें गंधार और धैवज जो हैं वो वर्जित स्वर हैं. वर्जित स्वर यानी कि बिल्कुल नहीं लगते हैं. ऋषभ और पंचम इसमें वादी और संवादी हैं, यानी कि रे प वादी संवादी हैं. और इसे क्योंकि दो स्वर वर्जित हैं तो इसे हम औडव जाति की श्रेणी में रखेंगे. वृंदावनी सारंग राग दिन के द्वितीय पहर में गाया जाता है. मैंने पहले एक वीडियो में शायद ये चर्चा की थी कि सारंग और मल्हार इनको हम कैसे अलग करेंगे. तो जहाँ मल्हार है, जो कि एक मीण प्रधान राग होते हैं जिनमें मीण की प्रधानता होती है, वहीं सारंग जो होते हैं उनमें मीण रहित उनको बोला जाता है. मतलब उसमें मीण का इतना काम नहीं होता है. स्वरों की दृष्टि से अगर देखें तो स्वरों को थोड़ा थोड़ा मीण दी जाती है, लेकिन अनलाइक मल्हार्स इसमें मीण जो होता है मीण का काम नहीं किया जाता है. यही मेन डिफरेंस है मल्हार और सारंग में. तो वृंदावनी जो सारंग है इसमें आरोह और अवरोह में जो स्वरों की दृष्टि है, स्वरों का एक प्लेसमेंट है, आप उसे देखेंगे तो वो मल्हार की तरह है, लेकिन इसमें मीण का प्रयोग नहीं किया जाता है. निषाद की जो स्थिति है वो ऐसी है कि आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल. जिन रागों में एक ही स्वर के दो प्रकार लगते हैं उनमें आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल, ये मैं अपने पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ. तो वृंदावनी सारंग में भी आरोह में शुद्ध जाता है और अवरोह में कोमल जाता है. और इसके सम प्रकृति राग की अगर हम बात करें तो सूर मल्हार को हम इसका सम प्रकृति राग बता सकते हैं. और सूर मल्हार और वृंदावनी सारंग को कैसे हम अलग करते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी, आफ्टर एक्सपैंडिंग वृंदावनी सारंग. तो आइए देखते हैं कि वृंदावनी सारंग को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं और इसमें स्वरों की जो प्लेसमेंट है वो कैसे होती है. लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर जानिए कि वृंदावनी सारंग की जो एक रागवाचक स्वर संगति है वो क्या है. रागवाचक स्वर संगति अगर हम देखें तो मोस्टली चार स्वरों में वृंदावनी सारंग खिल के सामने आ जाता है. मारे ने सा, इतना गाने से वृंदावनी सारंग का स्वरूप सामने आ जाता है. वैसे तो इसको और भी बढ़ाया जाता है पूर्वांग में उत्तरांग में, लेकिन ये जो चार स्वर हैं मारे यानी रे पे माँ का कर्ण और नी पे रे का कर्ण, मारे ने सा, ये डिफाइन करता है वृंदावनी सारंग को. तो आइए जानते हैं कि वृंदावनी सारंग को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं आलाप के माध्यम से.
रेना हाँ। तो इस तरीके से मैंने एक बहुत ही एक ब्रीफ तरीके से वृंदावनी स्वारंग का एक्सपेंशन बताया है। अगर हम स्वरों के माध्यम से इसे एक्सपेंड करें तो मा रे नी सा नी सा रे मा रे, देखिए हमने मीड़ इसमें बिल्कुल कम कर दी है। अगर यही मल्हार होगा तो मा रे ये करेंगे तो मल्हार हो जाएगा, लेकिन हमें वृंदावनी सारंग में मीड़ को हटा देना है। मा रे रे पा मा 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 पा मा पा मा रे रे मा रे नी सा पा नी सा रे नी सा, ऐसे पूर्वांग में और उत्तरांग में, क्योंकि दोनों नहीं लगते हैं तो आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल। मा पा नी नी सा पा सा सा नी पा पा रे सा नी पा नी पा मा रे नी नी सा। तो ये था वृंदावनी सारंग का स्वरूप। इस राग को जब हम गाते हैं या इस राग को जब प्ले भी किया जाता है तो एक बहुत ही अच्छा एक समा बंधता है और ये बहुत ही सोलफुल राग है और बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने इसे गाया है, परफॉर्म किया है, जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, इसे समझिए स्वरों की दृष्टि से और राग की दृष्टि से, क्योंकि जो सारंग है वो ना सिर्फ एक राग है बल्कि एक रागांग भी है। जी हाँ, जो राग के 15 जो एक रागांग बताए गए हैं शास्त्रों में, उनमें से सारंग एक रागांग भी है, यानी एक ये इसकी विशेषता है कि एक रागांग राग भी है। तो रागांग क्या है इसका? मा रे नी सा, मुख्यतः ये जो स्वर हैं ये इसके रागवाचक स्वर संगति भी है और यही सारंग का रागांग भी है। तो आज के इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी आपको नॉलेज मिली है, उसे आत्मसात करिए, उसे और प्रयास के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करिए। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है या आप चाहते हैं कि मैं और एलोबरेट करूँ इस राग को या किसी और भी राग को, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा और मेरे साथ जुड़े रहिए दीपशिखाज़ म्यूज़िक में आगे के और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। और इस वीडियो को प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार।